अगरचे हमारी नीडल थोड़ी सी इधर उधर भी बैठती है तो हमारा थ्रेड बार बार टूटने की परेशानी होती है, तो इसके लिए फ्लैट वाली साइड बिल्कुल स्क्रू के साइड आनी चाहिए और गाले वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये ब्राइडल घाघरा है मेरे क्लाइंट का, तो ये ब्राइडल घाघरा जो है कैन कैन डला हुआ है, बहुत सारा हेवी कैन कैन इसमें डाला हुआ है, तो इसकी स्टिचिंग हमने पूरी मशीन की सेटिंग के साथ स्टिच करनी है, तो इतना ज़्यादा इसमें कैन कैन लगा हुआ है। तो ये वाला इस मशीन पर मैं पहली बार सी रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये पता नहीं इसमें इस मशीन में सेटिंग्स करने के बाद भी इसकी स्टिचिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर दूँगी ऊपर की साइड, और ये थ्रेड टाइलर जो है थ्रेड टेंशन इसको थोड़ा लूज़ कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये स्टिचिंग वाली जो सेटिंग है मैं इसको बढ़ा दूँगी। यूजुअली जो है हम इस साइड लेफ़्ट से राइट साइड करके कम करते हैं स्टिचिंग, तो यहाँ पर मैं नंबर टू पर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ फिर आकर 2 इंच पर रख रही हूँ थ्रेड की लेंथ। तो यहाँ पर ये नीडल जो है 110x18 नंबर की मैं नीडल यहाँ पर मैं इस घाघरे की स्टिचिंग के लिए डाल रही हूँ। चलें देखते हैं कि इतनी सेटिंग करने के बाद इस इतने ज़्यादा कैन कैन वाले घाघरे की स्टिचिंग परफेक्ट आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम नीडल को चेंज करते हैं यहाँ पर। तो नीडल को चेंज करने के लिए इस वाले स्क्रू को पहले लूज़ कर देंगे, और इसमें पहले से 16 नंबर की जो नीडल है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर अभी हम इस नीडल को साइड पे रख देंगे, तो 18 नंबर वाली नीडल लेंगे। तो यहाँ पर इस नीडल को किसी भी नीडल को इस मशीन वाली नीडल को देख सकते हैं आप, वन साइड इस तरह से फ्लैट रहता है तो वो इस स्क्रू वाले साइड में करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप नीडल का ये जो एक तरह का हालो साइड है जो गाला बना हुआ है, इस वाले गाले वाली साइड को हम ना लेफ़्ट हैंड की साइड में करेंगे इस साइड। तो इसको इस तरह से स्क्रू थोड़ा सा लूज़ करके इसमें फिट कर देंगे। अगरचे हमारी नीडल थोड़ी सी इधर उधर भी बैठती है तो हमारा थ्रेड बार बार टूटने की परेशानी होती है, तो इसके लिए फ्लैट वाली साइड बिल्कुल स्क्रू के साइड आनी चाहिए और गाले वाली साइड जो है वो लेफ़्ट साइड आनी चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, थोड़ी सी भी नीडल को क्रॉस ना करें। तो अब हम नीडल चेंज करके इसमें थ्रेड डाल दिया है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन्स दिए हुए हैं, तो ये स्टोन्स का भी हमने बीच बीच में जहाँ पर नीडल को स्टोन्स को भी हम बीच बीच में निकालना है हमने। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कैन कैन को परफेक्टली फिट सेट करते हुए मैं स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कि स्टिचिंग प्रॉपरली आती है या नहीं। तो ये देखिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, बिल्कुल भी घाघरे का फैब्रिक जो है वो आगे की तरफ खिसका ही नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैं जितना भी ज़ोर लगा लूँ यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, आगे की साइड खिसकता ही नहीं है। तो ये देखिए लिफ्टर भी बिल्कुल लूज़ हो चुका है। ये बिल्कुल इतना मैंने लूज़ करने के बाद भी सबल को ऊपर से ये बिल्कुल आगे की तरफ खिसकाना भी इसका मुश्किल हो चुका है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया है अभी मशीन में से। और ये कमर वाली साइड यानी घाघरे की ऊपर वाली साइड से हम चलें
स्टिच करते हैं, ट्राई करते हैं कि अभी यहाँ से ये कितना के परफेक्टली स्टिच हो पाता है। तो इस तरह से कमर पट्टी को बिल्कुल परफेक्टली मैच कर देंगे। और यहाँ पर 3 इंचेस का हमने 2.5 इंच और 3 इंचेस का ऊपर से ओपन रखना है, बाद में हम इसकी हुक्स स्टिच करेंगे। आप चाहें तो जिप भी यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं, पर इस वाले स्टोन्स वाले घाघरे में हुक्स ही बेटर रहती हैं जिप से भी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जिप स्टिच करूँगी। तो बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ ओपन के लिए। तो 2 इंच की कमर पट्टी और घाघरे की यहाँ पर 3 इंचेस ओपन आएगी। तो इसकी स्टिचिंग हम हुक से क्लोज करेंगे, इसकी क्लोजिंग हम हुक से करेंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर जो भी स्टोन्स आड़े आएंगे उन स्टोन्स को आप थ्रेड कटर से निकाल सकते हैं। कपड़े को कट करके नहीं, बल्कि ऊपर से सिर्फ स्टोन्स की अटैचिंग स्टिकिंग होती है उसको निकालें, क्योंकि थ्रेड कटर से ये बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। अगर हम नेल्स से खींचते हैं तो ये नेल्स टूट जाते हैं और मुश्किल होती है बहुत, इसके लिए थ्रेड कटर से हम पकड़ के खींचते हैं तो वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग आ रही है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो यहाँ तक स्टिचिंग प्रॉपर हो चुकी है। अगर आप भी इस तरह के ब्राइडल घाघरा स्टिच करते हैं तो आप कौन से ट्रिक्स यूज़ करके स्टिच करते हैं, आप चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी ट्रिक जो कोई मुझे ना मालूम हो तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आसानी से स्टिच करने वाले हैं चाहें तो अपने आइडियाज़ या अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आगे तक स्टिच करने के बाद यहाँ से कैनकेन की स्टार्ट स्टिचिंग, कैनकेन की अटैचिंग स्टार्ट हो रही है। तो पता नहीं अभी आगे यहाँ से सिलाई डलेगी भी या नहीं, देखते हैं अभी इसकी स्टिचिंग करके। यहाँ तक तो आसानी से आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं पूरी जोर लगाकर पीछे से भी खींचना पड़ रहा है मुझे, और आगे से भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है ताकि ये कैनकेन के ऊपर से सिलाई अच्छे से पड़ सके। तो ये देखिए लिफ्टर तो बिल्कुल लूज पड़ चुका है और ये आगे की तरफ खिसकना भी मुश्किल हो रहा है इसका। तो जैसे तैसे करके इसकी स्टिचिंग हो रही है। चलिए जी, यहाँ तक तो इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इतना हेवी है, इतना भारी, इसका वेट इतना ज़्यादा है कि मुझे मशीन पर इसको मैनेज करने के लिए ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और इसको क्योंकि मेरी मशीन बिल्कुल दीवार से लगाकर मैंने रखी है तो इसकी वजह से, और भी नीचे की तरफ हम छोड़ देंगे तो तब भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। कम से कम यहाँ पर दीवार की सपोर्ट में तो इसको, इसकी हेवीनेस को, इसके वेट को मैनेज करना आसान हो रहा है। तो ऐसे घाघरास आप लेने से पहले, स्टिचिंग करने के लिए लेने से पहले अपनी मशीन को बिल्कुल परफेक्टली तैयार रखें, वरना आप ऐसे घाघरा स्टिचिंग के लिए ना लें
तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टिचिंग नहीं आया है, पर बाकी सब परफेक्टली आया, स्टिच हो चुका है। तो ये देखिए फाइनल लुक इस घाघरे की स्टिचिंग का। तो यहाँ पर इसको मैंने साइड की स्टिचिंग के लिए और फिर इसमें जो है नाड़ा डालकर, नाड़ा स्टिच करके डालने के लिए, और फिर जो ओपन वाली साइड है उसमें दो बकल्स जो पैंट के हैंड स्टिच करने वाले होते हैं, पैंट के बकल्स, उसकी मैं ऊपर से क्लोज करने के लिए स्टिचिंग करूँगी। पैंट के बकल्स इसमें लगेंगे क्योंकि इसकी हेवीनेस की वजह से, इसके वेट की वजह से नॉर्मल हुक्स, ब्लाउज़ वाले हुक्स इसमें काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए बकल्स, पैंट के जो बकल्स हैंड स्टिच से जो हम सिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 रुपीस चार्ज किया है, और इसकी ब्लाउज़ स्टिच करने के जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है उसके मैंने 400 रुपीस चार्ज किया है। आप देखें अपने एरिया के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने इसकी ब्लाउज़ जो है प्रिंसेस कट कटिंग की स्टिच की है, और नेक्स जो इसके हैं वो नॉर्मल राउंड नेक्स ही वर्क के डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग करके स्टिच किए हैं। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग डालकर 400 रुपीस चार्ज किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें। कोई भी लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद भी देखते तो हैं वीडियोस को, पर लाइक कोई नहीं करता है। एक लाइक का जो थम्स अप का जो बटन है वो क्लिक करने में बताइए कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है, बस एक सेकेंड। चलिए जी ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।